गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट क्लास आपको डिवीजन एल्गोरिथम पे छोड़ा था, ठीक है। मैंने वही पॉलीनोमियल चैप्टर को ही कंटिन्यू कर रही हूँ और अब मैं कंटिन्यू करती हूँ डिवीजन एल्गोरिथम। मैंने लास्ट क्लास आपको डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में थोड़ा सा बताया था, एक बार रिपीट कर दे। तो इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर एनी टू पॉलीनोमियल्स वेयर जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, देन फ्रॉम पॉलीनोमियल क्यू ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स वी गेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ क्यू ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, जहाँ पे आर ऑफ एक्स जो है जीरो होता है और ये जो दोनों होते हैं ये हमारी डिग्रीज होती हैं। या फिर आप ना समझे तो कोई बात नहीं, आपको मैं छोटे क्लास से डिवीजन को चेकिंग करना सिखाया जाता है, जिसमें डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डिविडेंड जो इक्वल टू क्या है हमारा, क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर, मतलब क्यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स प्लस रिमाइंडर हो रहा है, रिमाइंडर ऐड कर रहे हैं वहाँ पे भी वही आर ऑफ एक्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन एग्जांपल वन है, यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम डिवाइड पी ऑफ एक्स दिस वन जी ऑफ एक्स दिस वन एंड फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, और आप उसका क्वेश्चन और रिमाइंडर निकालिए यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम, ये ऐसे कह रहा है, ठीक है। तो सेम वही करना है आपको, जी ऑफ एक्स को डिवाइड करना है किससे, पी ऑफ एक्स से करना है, ठीक है। अब की बार मैं सही से क्वेश्चंस को लिख के और सही से आपको करके दिखाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को डिवाइड किया किससे, मैंने एक्स स्क्वायर फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, ठीक है। तो मेरा पहला है एक्स पावर फोर, यहाँ पे है मेरे पास एक्स स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्स की पावर टू, तो ये हो गया एक्स की पावर फोर। फिर एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आता है कहीं ना कहीं माइनस एक्स पावर थ्री, यहाँ पे कहीं ना कहीं कहीं नहीं लिखा माइनस एक्स पावर थ्री, पर आप लिख लीजिए माइनस एक्स पावर थ्री, ठीक है। फिर मेरे पास आती है, चलो ठीक है, यहाँ पे माइनस एक्स मत लिखिए, यहाँ पे मत लिखिए, थोड़ा साइड में, यहाँ पे हो गया एक्स पावर फोर माइनस सॉरी माइनस एक्स की पावर थ्री, और दूसरा फिर हो जाएगा यहाँ पे प्लस एक्स की पावर टू। आप क्या कीजिए, साइन चेंज कीजिए, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस और ये माइनस का बन जाएगा प्लस, तो ये आपस में कैंसिल हो गए और ये हो गया प्लस का, तो यहाँ पे पहले लिख दीजिए प्लस एक्स क्यूब आ जाएगा, फिर यहाँ पे ये माइनस थ्री है और यहाँ पे माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस का फोर एक्स स्क्वायर, और ऊपर से मैंने उतार लिया फोर एक्स और ऊपर से उतार लिया मैंने फाइव, ठीक है। अब मेरे पास एक्स की पावर क्या है, थ्री, तो मैंने लिखा यहाँ पे एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया एक्स की पावर थ्री, है ना। दूसरे से मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आएगा माइनस एक्स की स्क्वायर आता है, ठीक है। फिर आता है प्लस इंटू माइनस, माइनस मेरे पास आती है एक्स, नहीं सॉरी, माइनस इंटू माइनस कहाँ जाएगा, माइन प्लस हो गया, ये हो गया ये, ठीक है। अब ये होगा माइनस, ये होगा माइनस का प्लस और ये होगा माइनस, तो ये आपस में कैंसिल हो गए, ये माइनस फोर है और प्लस वन है, तो माइनस का कितना हो गया, थ्री एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। और यहाँ से मेरे पास में आ गया प्लस का थ्री एक्स, कितना आ गया, प्लस का थ्री एक्स आ गया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, ये हो गया मेरा प्लस का थ्री एक्स, तो ये हो गया मेरा प्लस का थ्री एक्स, और मेरे पास ऊपर से उतार दिया मैंने फाइव। अब यहाँ पे है माइनस का थ्री, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा, तो मैं यहाँ पे जो मेरा ये यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिखूँगी अपना माइनस का थ्री, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा माइनस का थ्री लिखूँगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का थ्री। अब नीचे आ जाओ, तो मैंने यहाँ पे लिखा माइनस को थ्री से मल्टीप्लाई किया तो ये होगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर हो जाएगा माइनस, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस इंटू माइनस प्लस थ्री एक्स हो जाएगा, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस का थ्री हो जाएगा, ठीक है। अब निशान चेंज कर दीजिए, ये हो जाएगा माइनस का प्लस, ये माइनस का प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ठीक है। ये आपस में कैंसिल हो गया, ये आपस में कैंसिल हो गया, और ये फाइव में से थ्री नहीं जाएगा, फाइव प्लस एट हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस थ्री है, तो ये हो जाएगा एट आपका रिमाइंडर। तो आपका जो क्वेश्चन हो गया वो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का थ्री, और आपका रिमाइंडर जो हो गया वो हो गया आपका एट, ठीक है। आपको इस तरह से आपको इसको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस मच इफ इट्स टू जीरोज आर दिस मच एंड दिस मच, और आपके जो आपके पास में ये आपका एक पॉलीनोमियल दे रखा है, ठीक है, और आपको इफ टू जीरोज आर, आपके इसके टू जीरोज है रूट फाइव अपॉइंट थ्री और माइनस फाइव अपॉइंट थ्री, आपके दो नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है। आपको क्या करना, इनको यूज़ करके आपको एक आपको इसका दूसरा वाला वैल्यू बनानी है, जो डिवाइजर बनाना है आपका, ठीक है, और आपको पॉलीनोमियल डिविडेंड तो आपको दे रखा है, ठीक है।
तो अब देखिए, ये है प्लस की वैल्यू और ये है माइनस की। तो जब इक्वल टू के इधर देखिए, अब ये जब प्लस होता है तो इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस हो जाता है, और माइनस होगा तो इक्वल टू उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब हमें ये चीज़ को उल्टा ले जाना है इधर की तरफ में, ठीक है, ये इधर ले जाना है। तो प्लस को क्या बनाना है, माइनस बनाना है, और माइनस को हमें क्या बनाना है, प्लस बनाना है, ठीक है। तो ये मेरे पास में एक हो जाएगी एक्स माइनस रूट फाइव अपॉन थ्री हो जाएगा, दूसरा मेरा हो जाएगा एक्स प्लस रूट फाइव अपॉन थ्री हो जाएगी, ठीक है, ये मेरे पास में आ गई। अब इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, और दूसरा होता है ए माइनस बी, जिसमें कि ये चीज़ है। तो मतलब ये क्या है, एक्स का स्क्वायर और माइनस रूट फाइव अपॉन थ्री का होल स्क्वायर, तो ये हो जाता है एक्स का स्क्वायर और ये हो जाता है रूट फाइव अपॉन थ्री का, मतलब फाइव अपॉन थ्री, तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव अपॉन थ्री आ गया, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे थ्री क्यों दिया, इज अ फैक्टर ऑफ, ये होगा रूट फाइव अपॉन थ्री, और ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस फाइव अपॉन थ्री आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि फ्रैक्शन में वैल्यू आप डिवाइड करने से आपका जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसमें थ्री का एलसीएम लेना है, ये हो जाएगा थ्री, ये हो जाएगा आपका थ्री एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का फाइव। तो अगर कहीं ना कहीं इसको मैं लिखती हूँ तो वन अपॉन थ्री को तो मैंने बाहर लिख लिया, और ये होगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव। तो आपको ये कुछ अज्यूम ना करके आपको सिर्फ ये अज्यूम करना है, ठीक है। अब क्या करना है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव को डिवाइड करना है किसे, आपके पॉलीनोमियल से जो आपको ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। अब आपके पास में क्वेश्चन क्या दे रखा है कि अब आपके पास में है यहाँ पे आपको एक आपको डिवाइजर मिल गया कितना, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव, ठीक है। और इसको आपको डिवाइड करना है किससे, थ्री एक्स पावर फोर प्लस सिक्स एक्स पावर थ्री माइनस टू एक्स पावर टू माइनस टेन एक्स और माइनस फाइव से इसको डिवाइड करना है, ठीक है। अब इसको डिवाइड करने के लिए सेम चीज़ देखिए, यहाँ पे प्रोसेस आपका दिया हुआ है नीचे, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव को किया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर किया तो ये थ्री आ गया, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। फिर अब इन दोनों का निशान चेंज करें तो ये आपस में कट जाता है, और ये आपस में दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, और इससे मेरे पास में क्या आ गया, सिक्स अच्छा सिक्स स्क्वायर था यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरे पास में सिक्स एक्स क्यूब मैंने यहाँ से उतार लिया, और ये हो गया मेरे पास में थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर यहाँ से, ठीक है, ये माइनस टू है, ये प्लस फाइव है, तो इनमें से दोनों में से अगर करते हैं तो प्लस थ्री है, और माइनस टेन एक्स नीचे उतार लिया और ये उतार लिया। अब मैंने दोबारा क्या लिखा, टू लिखा, टू से किया तो सिक्स एक्स क्यूब आ गया और माइनस का टेन एक्स आ गया, तो इनको किया तो ये आपस में कैंसिल हो गया, ये मैंने नीचे एज इट इज़ उतार लिया, और ये मेरा आपस में कैंसिल हो गया, माइनस फाइव हो गया। अब ये कितने टाइम जाता, वन टाइम जाता, और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। यही आपको करना था कि फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल, ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके पास में क्या हो गया, माइनस वन, और इट मींस जो माइनस वन ये और ये विल बी द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। तो इसमें जो आपका ये जो वैल्यू आई है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, इसको अगर लिखते हैं तो क्या है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर के फॉर्म में, इसको भी आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो इसको चाहो तो आप इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे ये है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मतलब टू एक्स होता है, और ये वन हो गया, तो एक्स कॉमन आ गया, तो ये हो गया एक्स प्लस वन, और यहाँ पे भी वन कॉमन लिया तो ये हो गया एक्स प्लस वन, तो ये बनता है एक्स प्लस वन और ये बनता है एक्स प्लस वन। तो एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो और एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स इक्वल टू माइनस वन और यहाँ पे भी x इक्वल टू माइनस वन। तो आपके पास क्या आती है, माइनस वन एक आ गई, एक माइनस वन आ गई, और दो क्वेश्चन में दिए हुए थे आपको रूट फाइव अपॉन थ्री और माइनस रूट रूट फाइव अपॉन थ्री, तो ये आपके आंसर हो गए, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 3.2, 3.2 एक्सरसाइज में क्या है, यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम डिवाइड एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स एंड फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर। आपको क्या करना है, आपको इस सेम चीज़ वही करनी है, डिवीजन एल्गोरिथम को यूज़ करके आपको इनको डिवाइड करना है, और डिवाइड करके आपको कोशेंट और रिमाइंडर निकालना है। आप सिर्फ कोशेंट और रिमाइंडर निकालना है, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको वो क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपके पास में यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है।
आपके पास में इसके डिवाइजर भी दिए हुए हैं, आप इनसे डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करके इजीली क्वेश्चंस फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। नहीं आएगा तो मैं बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में, अभी यहाँ पे स्पेस नहीं है, बहुत लंबा हो जाता है ये डिवाइड करना, तो इसलिए मैं यहाँ पे कर नहीं रही हूँ, तो आप यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन नंबर टू में, वही कह रहा है डिवाइड सेकंड पॉलीनोमियल बाय फर्स्ट एंड वेरीफाई दैट फर्स्ट पॉलीनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलीनोमियल। अब सेम वही करना है यहाँ पे, ये क्वेश्चन को डराने के लिए कह रहा है कि सेकंड पॉलीनोमियल को फर्स्ट, मतलब ये यहाँ पे क्या करना है, बाय फर्स्ट मतलब सेकंड पॉलीनोमियल को फर्स्ट में डिवाइड करना है एंड वेरीफाई द फर्स्ट पॉलीनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलीनोमियल। अब और फिर वेरीफाई करना है कि फर्स्ट जो पॉलीनोमियल है वो फैक्टर है सेकंड पॉलीनोमियल का, मतलब छोटे से बड़े में ही आप डिवाइड कर सकते हो, आपको भी पता है, तो आपको क्या करना है जी ऑफ एक्स में से एफ ऑफ एक्स को डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, ये अंदर आएगा और ये बाहर की तरफ आएगा और उसको डिवाइड कीजिए, उसके बाद में चेक वाला प्रोसेस जो होता है, वो चेक वाला प्रोसेस क्या है, वो जो मैंने बताया था फॉर्मूला आपको, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, उस वाले फॉर्म से आप उसको चेक कर लीजिए कि आपने किया सही किया है कि नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स देयर जीरोज आर गिवन, इस वाले जो पॉलीनोमियल है इनमें आपको जीरोज दे रखे हैं आपके पास में, फाइंड ऑल अदर जीरोज, अब बाकी आपको जीरोज निकालने हैं। तो जी अभी मैंने क्वेश्चन ये थोड़ी देर पहले करा था, सेम उसी तरह ही इसको करना है आपको, तो आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे ये क्वेश्चंस आपको, ये बस ये नंबर्स दिए हुए हैं, इनको यूज़ करके आपको वहाँ उसके वैल्यू बनाना, जैसे यहाँ पर माइनस टू है, ठीक है। तो इसको करने के लिए तो बहुत ही इजी तरीका है, सेम वही चीज़ दे रखी है आपको, इसके नंबर्स दे रखे हैं आपको, उसको उसके फॉर्म में निकालना है। जैसे यहाँ पे है माइनस टू, तो एक्स की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, एक्स और ये माइनस टू है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स प्लस टू, ठीक है। एक्स प्लस टू बन गया, एक्स प्लस टू को क्या कहेगा, डिवाइड करो किससे, इस पूरे नंबर से, किससे, एक्स की पावर थ्री प्लस थर्टीन एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 32x और प्लस 20, इसे इसको डिवाइड करो, तो डिवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं ये एक्स की क्यूब एक्स स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है, एक्स स्क्वायर आएगी तो ये बन जाएगा एक्स की क्यूब, और दूसरा हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इनको साइन को चेंज किया तो ये माइनस हो गया, ये 13 में से 2 गया तो क्या बचा, 11x स्क्वायर बच गया, ठीक है। ऊपर से मैंने 32x और 20 उतार लिया, ठीक है। अब मेरे पास में क्या आया, 11x स्क्वायर, तो मैंने कहा प्लस 11x लिख दिया, तो ये हो जाएगा 11x स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 22x हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने इनका साइन चेंज कर दिया, ये माइनस का ये, तो ये कट गया आपस में, ये 32 में से ये हो गया प्लस का 10x, ठीक है, और यहाँ पे हो गया ये 20, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस का 10, तो यहाँ पे किया तो ये हो जाएगा 10x और यहाँ पे हो जाएगा 2 10 20, तो प्लस 20, तो कहीं ना कहीं रिमाइंडर आ गया 0, मीन्स आपके पास में स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 11x और प्लस 10 आपके पास में ही आ गया। अब आपको इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए वही चीज़ है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस एक्स और प्लस ये हो जाएगा 10, तो x को कॉमन लिया तो ये होगा x प्लस 10 और यहाँ पे कॉमन 1 आ गया तो ये होगा x प्लस 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 10, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस का 10, तो माइनस 1 माइनस 10 तो आपके पास में निकल गए और आपको ये क्वेश्चन में माइनस 2 दे रखा था, तो इस तरह आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, ऑन डिवाइडिंग पॉलीनोमियल x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाई पॉलीनोमियल जी ऑफ एक्स, द कोशेंट क्यू ऑफ एक्स एंड आर रिमाइंडर आर ऑफ एक्स आर ऑब्टेंड एज एक्स माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द पॉलीनोमियल जी ऑफ एक्स। तो आपको क्या करना है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपके पास में फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है कि क्वेश्चन 4 यहाँ कर रही हूँ मैं, ठीक है।
क्वेश्चन फोर में आपको क्या करना है कि आपके पास में वो फॉर्मूला है क्या कि जो डिविडेंड होता है वो होता है डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो आपके पास में डिवाइडिंग दे रखा है, कितना दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस टू दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपको डिवाइजर नहीं दे रखा, आपको क्वेश्चन दे रखा है, कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन, पॉलीनोमियल क्वेश्चन एक्स माइनस टू दे रखा है, और जो रिमाइंडर है वो आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर जो है आपका वो है माइनस टू एक्स प्लस फोर है, ठीक है। आपको ये चीज़ दे रखी है, अब आपको ये फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, जी ऑफ एक्स को करने के लिए पहले इसमें इस चीज़ को माइनस करिए, तो डी इंटू एक्स माइनस टू तो एज इट इज़ रह जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, माइनस का है उधर आएगा तो ये प्लस का उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस टू एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का फोर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब तो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, और माइनस थ्री एक्स स्क्वायर भी एज इट इज़ आ जाएगा, और आपके पास में यहाँ बचेगा थ्री एक्स और यहाँ बचेगा माइनस का टू, है ना। अब इसको निकालना है तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स की क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और प्लस थ्री एक्स माइनस टू डिवाइड बाई में क्या होगा, एक्स माइनस टू से इसको डिवाइड करना है। जब एक्स माइनस टू से इसको डिवाइड करोगे तो जो डी है डिवाइजर आपका कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन आ जाएगा। इसको आपको उस फॉर्म में इस वाले फॉर्म में करना है, करके आपको ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो समझ में आया आपको क्वेश्चन, इतने कर लिए। अब चलिए नेक्स्ट बोल रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, किस तरह से किया जाएगा, ठीक है। तो इसको देखिए यहाँ पे, इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इन जनरल। क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होती है, जहाँ पे ए जो होता है नॉट इक्वल टू जीरो इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलीनोमियल, जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलीनोमियल का, ठीक है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल एफ ऑफ एक्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अभी हमने ए एक्स प्लस पॉलीनोमियल एफ ऑफ एक्स इसके बारे में डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने वी नो दैट वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल इज जीरो एट देयर जीरोज, और जो जो अलग अलग जीरोज दिए थे उसमें कैसे उसकी पॉलीनोमियल को एक्सप्रेस करना है, क्या करना, कैसे सॉल्व करना है, उसमें मैंने ऊपर कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास में कोई भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई भी इक्वेशन दी होगी, ठीक है। हमें उसको या तो हमें कोई दो छोटे छोटे पॉलीनोमियल्स दे रखे हो उसको हमें इस फॉर्म में बनाना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में बनाना है, और फिर उसको हमें क्या करना है, उसकी ए बी सी की फॉर्म को निकालना है, और जो सॉल्व करने पे जो हमें आंसर आएगा वही स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है, ठीक है। करना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, मैं आपको नीचे बताऊंगी कैसे करना है, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, आप फैक्टराइजेशन से कैसे करेंगे क्वाड्रेटिक को सॉल्यूशन, वो भी मैं आपको नीचे बताऊंगी। फैक्टराइज मतलब क्या होता है, कि किसी भी चीज़ को फैक्टराइज करना मतलब तोड़ना, जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या करते हैं, उस नंबर को हम क्या करते हैं, पहले टू से डिवाइड करते हैं, फिर थ्री से डिवाइड करते हैं, फिर फोर से डिवाइड करते हैं, धीरे धीरे जिस नंबर से वो डिवाइड होता है उससे करते जाते हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको हम फैक्टराइज करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में फैक्टराइज करेंगे उसको, और फिर उसके रूट्स निकालेंगे कि उसकी कितने एक्स की वैल्यू कितनी हुई। तो हर एक की क्या होते हैं डिग्री, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो टू होती है, तो उसमें मैक्सिमम टू रूट्स ही निकलेंगे, इससे ज़्यादा रूट्स नहीं निकलेंगे, ठीक है। जिसकी जिस इक्वेशन की जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही क्या होते हैं मैक्सिमम रूट्स निकलते हैं। जैसे अगर लीनियर इक्वेशन है तो उसके लीनियर इक्वेशन में डिग्री वन होती है तो एक्स की वैल्यू एक ही निकलेगी। दो कैसे निकालोगे, दो निकाला मतलब आपने कहीं ना कहीं तुक्का मारा, कुछ किया है, ठीक है।
तो अरे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री जो है हाईएस्ट डिग्री होती है 2, तो जो रूट होंगे वो कितने निकलेंगे? 2 ही निकलेंगे, 2 से ज़्यादा नहीं निकलेंगे, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2, सो इट इज़ द मैक्सिमम 2 रूट्स। दिस द प्रोसेस टू फाइंड द रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑल्सो इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। जो किसी भी का भी प्रोसेस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोसेस का रूट जो रूट्स निकालने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट इट एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इन स्टैंडर्ड फॉर्म, देन फैक्टराइज एफ ऑफ एक्स एंड इक्वेट ईच फैक्टर इक्वल टू 0 एंड देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। उसके बाद उसकी वैल्यू को एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। पहले उसको सॉल्व कीजिए, इक्वेट वो कीजिए, उसको दो फैक्टर्स बनाइए, फिर उसको सेपरेट करके इक्वल टू 0 के बनाइए, तो एक्स की वैल्यू आपको 2x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। कैसे करना है मैं बताती हूँ। जैसे क्वेश्चन 1 बोल रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 3x - 10 इक्वल टू 0 बाई फैक्टराइजेशन मेथड। इसको फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू आपको क्या करना है, रूट्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब आपके पास में देखिए x² - 3x - 10 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है मेरे पास में, ठीक है। अब मेरे को क्या लाना है, मेरे पास ही में यहाँ पे क्या है 10 है, और यहाँ पे प्लस माइनस करने से मेरे पास में क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए, और मेरे मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए 10। मतलब मैं जब ए और सी को मल्टीप्लाई करूँगी मेरे पास 10 आ रहा है, और जब मैं बी की वैल्यू है मेरी, अब जब मैं ए और सी को प्लस माइनस करूँगी तो मेरे पास में आंसर कितना आना चाहिए -3 आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया x² - 5x + 2x। अब देखो 5 × 10 होता है, -5 + 3 - 3 होता है, ठीक है। -10 इक्वल टू क्या होगा 0, ठीक है। अब x कॉमन लिया तो यहाँ पे हो गया x - 5, और यहाँ पे जब मैंने 2 को कॉमन लिया तो यहाँ हो गया x - 5, और ये होता है 0 के बराबर। तो ये हो गया x + 2, और एक होता है मेरा x - 5, ठीक है। अब ये दोनों हो गया इक्वल टू के 0 के बराबर आ गया। अब एक को इसके 0 के बराबर ले लीजिए, एक इसको 0 के बराबर ले लीजिए, तो ये हो गया x + 2 = 0, और दूसरा हो गया x - 5 = 0, तो ये हो गया x = -2, यहाँ पे हो गया x = 5। तो मेरे पास में 2 रूट आ गए x के, -2 और क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिसोल्व बाय फैक्टराइज मेथड। अब बात आती है रूट की, कि अब अरे यार यहाँ तो रूट आ गया, रूट में कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैसे करना है आपको, यहाँ पे है आपके पास में √2x² + 7x + 5 √2 = 0, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से ए और सी को मल्टीप्लाई करने से √2 × 5 √2, तो √2 √2 कितना होता है 2 होता है, और 5 × 10, तो मल्टीप्लाई करने से मेरे पास कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए, और एडिशन करने से मेरे पास कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, √2x² + 5x + 2x + 5 √2 = 0। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने x कॉमन ले लिया तो ये बन गया √2x + 5 आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, √2 कॉमन ले लिया से यहाँ पे बच गया मेरा, सॉरी यहाँ पे बच गया √2, उसको अब करिए, यहाँ पे बच गया √2 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। √2 कॉमन लेने से मेरे पास आ गया यहाँ पे √2x, और यहाँ पे बच गया मेरा 5 = 0। अब मेरे पास में 2 वैल्यू होगी x + √2, और दूसरी होगी मेरे पास में √2x + 5 = 0 हो गई, जिसमें एक तो मेरी हो गई इक्वेशन x + √2 = 0, और एक मेरी इक्वेशन होगी √2x + 5 = 0। तो ये हो गया x = -√2, और यहाँ पे मेरी होती है √2x = -5, और x = ऊपर बढ़ाएंगे थोड़ा सा इसको, और यहाँ हो गया x = ये हो गया -5/√2। तो आपके पास में x की वैल्यू 2 आ गई, क्या आ गई, एक आ गई -√2 और एक हो गई -5/√2, 2 रूट्स आ गए आपके, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल 3 बोल रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। आपको क्या करना है, इसको भी फैक्टराइजेशन मेथड से आपके इसको रूट निकालना है। तो सेम वही चीज़ है, यहाँ पे आपको क्या है, मैं यहाँ से करती हूँ 4/x - 3 =
फाइव अपॉन टू एक्स प्लस थ्री, ये है ठीक है। अब आपको करना है इसको, इसको करने के लिए सेम चीज़ है, पहले क्या करिए आप यहाँ पे x का एलसीएम लीजिए, तो ये हो जाएगा फोर माइनस थ्री एक्स इक्वल टू फाइव अपॉन टू एक्स प्लस थ्री, ये हो गया ठीक है। आप क्या कीजिए इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे आपका है फोर माइनस थ्री एक्स और दूसरा है आपका टू एक्स प्लस थ्री और ये हो जाएगा फाइव मल्टीप्लाई बाई एक्स को फाइव एक्स हो गया ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है ठीक है। तो ये हो जाएगा एट एक्स माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस का ट्वेल्व माइनस का नाइन एक्स, ये होगा फाइव एक्स ठीक है। अब क्या कीजिए ये नेगेटिव है पहले इसको जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, ये माइनस का नाइन प्लस एट तो माइनस का एक्स और यहाँ हो जाएगा प्लस का ट्वेल्व इक्वल टू फाइव एक्स हो गया। अब इसको इधर ले जाइए क्योंकि नेगेटिव में पॉजिटिव बनाना है, तो सिक्स एक्स स्क्वायर ये प्लस का एक्स माइनस का ट्वेल्व और प्लस का फाइव एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा फाइव प्लस वन सिक्स एक्स और ये हो जाएगा माइनस का ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। अब आपके पास ये इक्वेशन बन गई ठीक है। अब आपको इसको फैक्टराइज करना है, नहीं तो आप यहीं पे ही इसको कॉमन ले सकते थे ठीक है, नहीं तो आपको चलो ये इक्वेशन बन गई आपको, अब इसको फैक्टराइज कीजिए। अब आपके पास में क्या है सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स ठीक है प्लस सिक्स एक्स और माइनस का ट्वेल्व इक्वल टू जीरो इक्वेशन है अभी सिक्स, और इसको कहीं ना कहीं से आपको करना है। तो देखिए सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस प्लस प्लस ट्वेल्व एक्स माइनस का सिक्स एक्स और माइनस का ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, देखो ट्वेल्व और सिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और ट्वेल्व को सिक्स में माइनस किया तो सिक्स आता है ठीक है। ठीक है अब सिक्स को कॉमन ले लीजिए, सिक्स एक्स को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स और यहाँ पे आ जाएगा टू, यहाँ पे माइनस टू कॉमन लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो आपके पास में एक यहाँ पे सिक्स सॉरी टू नहीं सिक्स सिक्स ठीक है, तो आपके पास में हो जाएगा सिक्स माइनस सिक्स एक हो गया और दूसरा हो गया एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो सिक्स एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो और x प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का सिक्स उधर आ जाएगा तो प्लस का सिक्स और अपॉन सिक्स, तो जिसमें x इक्वल टू कितना आ गया वन आ गया और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी माइनस का टू, तो अब x के जो रूट्स हो गए वो क्या हो गए वन और माइनस का टू आपके रूट्स हो गए और यही आपके नीचे आंसर्स दे रखे हैं ठीक है। समझ में आया आपको। नेक्स्ट अब क्या करना है, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक। अब आपको चेक करना है कि फॉलोइंग इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, उसको चेक करना है। तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो फॉर्म में होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब आपकी हाईएस्ट डिग्री जो होगी वो होगी टू ठीक है, तो वो आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं इनको माइनस कीजिए और इसको पता कीजिए कि ये है, जैसे ये है x प्लस वन अपॉन x प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ठीक है। यहाँ पे चलिए यहाँ पे ये है x प्लस टू का होल क्यूब है ठीक है, तो पहले ये होल क्यूब का फॉर्मूला खोलिए उसके बाद में उसको x क्यूब से उनको आपस में काटिए और देखिए वो चेक है कि नहीं, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू में क्या करना है, सेम वही दिया हुआ, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब इनको फैक्टराइजेशन मेथड से इनको सॉल्व करना है ठीक है, तो सेम वही है जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बताया, जैसे इसमें क्या करना है आपको इससे इस नंबर से इसको फैक्टर मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई और उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और उसके बाद में आप उसका आंसर फाइंड आउट कर दीजिए कि आपको वो कितना आंसर आ रहा है आपको ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपको कि आपको उसका ये इसमें सॉल्व करो, वही जैसे अभी मैंने ऊपर करके बताए थे वैसे वैसे करने ठीक है, इसी तरह करना। जैसे देखिए यहाँ पे 100 माइनस ट्वेंटी एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो है ठीक है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए सेम एज इट इज़ आपको करना है, तो आपको यहाँ पे इसको करना है, तो ये क्या है 100 एक्स स्क्वायर ठीक है माइनस का 10 एक्स और माइनस का 10 एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो ठीक है, ये 10 इंटू 10 100 हो गया ना, अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया
ठीक है, तो यहाँ पे अब मैंने क्या किया, टेन एक्स को कॉमन ले लिया, तो ये हो गया, यहाँ पे बच गया टेन एक्स माइनस वन, और यहाँ पे माइनस वन कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया टेन एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये हो गया टेन एक्स माइनस वन और दूसरा हो गया टेन एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये होगा टेन एक्स सॉरी टेन एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो और दूसरा होगा टेन एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। सो एक्स इक्वल टू कितना होगा, माइनस वन है तो प्लस वन, वन अपॉन टेन, और ये भी होगा वन अपॉन टेन, तो एक्स की वैल्यू आपके दो आ गई, वन अपॉन टेन और वन अपॉन टेन। इस तरह से आपको इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसको फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे देखिए नाइन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, तो नाइन टू जाए कितना होता है एटीन। ठीक है, और कहीं ना कहीं नाइन टू जा एटीन, और यहाँ पे कुछ ऐसा भी माइनस करना है कि आपको क्या आ जाए थ्री आ जाए, तो देखिए सिक्स थ्री जा और नाइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये होगा थ्री एक्स है ना, तो माइनस का सिक्स एक्स और प्लस थ्री एक्स, सो सिक्स में से थ्री गया तो थ्री बचता है और सिक्स थ्री जा एटीन और सॉरी माइनस का टू, माइनस का टू, ठीक है, और ये आता है ज़ीरो। अब सेम वही चीज़ है, थ्री एक्स कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे गया थ्री एक्स और माइनस का टू, यहाँ पे वन कॉमन आ गया तो थ्री एक्स माइनस का टू इक्वल टू ज़ीरो, तो आपके पास हो गया थ्री एक्स प्लस वन और दूसरा होता है थ्री एक्स माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। सो थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो होता है और दूसरा थ्री एक्स माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो होता है, तो x इक्वल टू कितना होगा, माइनस वन अपॉन थ्री हो गया, यहाँ पे x इक्वल टू माइनस है तो प्लस का टू हो गया तो प्लस टू अपॉन थ्री हो गया, तो दो रूट मिल गए। इस तरह से आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है इक्वेशन को और रूट्स x की वैल्यू निकालनी है। सो द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड, तो ये फैक्टराइजेशन मेथड का सोल्यूशन है। ठीक है, समझ में आ गया आपको, आज के लिए बस इतना ही बहुत है, आप ये क्वेश्चन सारे कर डालिए, कल नेक्स्ट क्लास फिर हम नेक्स्ट फ्रेश मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।